वेलकम बैक किशोर इंग्लिश टीचिंग सेंटर त्रिवेणीगंज सुपौल। आज हम लोग इन ट्वेल्थ के इंग्लिश 100 मार्क्स के फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव भाग करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा महात्मा गांधी हैज रिटन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। महात्मा गांधी कौन सा पाठ लिखे हैं? आई हैव अ ड्रीम, द आर्टिस्ट, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, द अर्थ। तो आप लोग जानते हैं कि सी नंबर का ऑप्शन सही है, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू है फारोज वेयर रूलर्स ऑफ एंशियंट, यानी फारो कहाँ के प्राचीन शासक को कहा जाता है था। तो फारो प्राचीन इजिप्ट के शासक को फारो कहा जाता था। फारो इजिप्ट के शासक को कहा जाता था। इस प्रकार से अपना सबका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर थ्री है डॉट वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के शासक को, रूलर को क्या कहा जाता था? इजिप्ट के शासक को अपना सब तुरंत अभी पढ़े हैं, फारोज कहा जाता था। और तीन का ऑप्शन डी होगा इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार है इन सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। सभ्यता जो है किसके विकास का एक कारण है, किसके विकास से संबंधित है सभ्यता? तो ए नंबर ऑप्शन है पीपल, बी नंबर एनिमल, सी नंबर बर्ड, डी नंबर आपका ऑप्शन है नॉन लिविंग थिंग्स। तो आप जानते हैं सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पीपल, यानी मानव के विकास से संबंधित सिविलाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गिबोन इज एसोसिएटेड विथ, यानी गिबोन की सभ्यता जो है वह कहाँ से संबंधित थी? तो गिबोन जो है इटली के सभ्यता को गिबोन कहा जाता था। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गिबोन। आप जानते हैं गिबोन की सभ्यता कहाँ से संबंधित थी? तो गिबोन की सभ्यता जो है इटली के सभ्यता को कहा जाता था। यानी इस प्रकार से ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन र्यून। यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोप की सभ्यता का जब हम लोग नकल करेंगे तो यह हमारे लिए अर्थ होगा, यह हमारे लिए र्यून यानी बर्बादी का कारण। विल मीन .. फॉर इंडिया, भारत के लिए किस चीज़ का कारण होगा पश्चिमी सभ्यता को कॉपी करना? तो ऑप्शन नंबर ए है वांट, बी नंबर ऑप्शन है लिविंग, सी नंबर ऑप्शन है रियल, डी नंबर ऑप्शन है र्यून। तो सिक्स का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन र्यून फॉर इंडिया, यानी यदि भारत के लोग यूरोप के सभ्यता से कॉपी करना चाहे, उससे नकल करना चाहे, तो यह हमारे लिए बर्बादी का कारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन .. फॉर इंडिया। तो इसका मैंने बता दिया कि ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, र्यून होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग में सदा जीवन और उच्च विचार इज द बेस ऑफ, किस पर आधारित है? सदा जीवन और उच्च विचार किस पर आधारित है? अमेरिकन सिविलाइजेशन पर, इंडियन सिविलाइजेशन पर, यूरोपियन सिविलाइजेशन पर, नन ऑफ दीज। आप लोग तुरंत जवाब दें इसका। तो यूरोपीय इंडियन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है जब भी पूछेगा किस पर आधारित था, तो यह बेस्ड ऑन इंडियन सिविलाइजेशन पर था। यानी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है इंडियन सिविलाइजेशन, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट है इंडियन ग्लोरी इज डेड। भारत की भव्यता है क्या,
कि इट इज डॉट डॉट, यानी भारत की भव्यता इसमें है कि भारत की सभ्यता हमेशा रहती है क्या, इमोवेबल। इमोवेबल मीन्स हुआ मूवेबल। देखिए मूवेबल मीन्स होता है कि बदलने लायक, जो बदल, जिसे बदला जा सके, जो बदलते रहता, घूमता रहे। इमोवेबल जो नहीं बदलती है। अनसिविलाइज्ड यानी भारत की सभ्यता के बारे में कहता है कि अनसिविलाइज्ड असभ्य है या इग्नोरेंट अज्ञानी है। तो आपका ऑप्शन होगा इंडियन ग्लोरी इज डैट इट इज इमोवेबल, यानी भारत की सभ्यता इमोवेबल है, अस्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसा हमारे पूर्वजों ने हमें सभ्यता, प्राचीन सभ्यता देकर गया, उसी को हम लोग आज तक भी रखे हुए हैं, यानी इमोवेबल होगा। 8 नंबर का ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, डॉट डॉट वाज ए स्पिरिचुअल लीडर, कौन स्पिरिचुअल लीडर मीन्स आध्यात्मिक नेता कौन थे, देन अ पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन मीन्स राजनीतिक से अधिक आध्यात्मिक नेता कौन थे। ए नंबर ऑप्शन है नेहरू जी, बी नंबर ऑप्शन है सरदार पटेल, सी नंबर ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी नंबर ऑप्शन है इंदिरा गांधी। तो यानी डॉट डॉट वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, जब भी आएगा तो आपका ऑप्शन सी होगा, महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी जो है स्पिरिचुअल लीडर मीन्स आध्यात्मिक नेता से अधिक पॉलिटिकल लीडर से, यानी महात्मा गांधी राजनीतिक से अधिक आध्यात्मिक नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, यानी सच के साथ मेरा प्रयोग जो है वो आज रिटन बाय किनके द्वारा लिखा गया है, सच के साथ मेरा प्रयोग यह चैप्टर किनके द्वारा लिखा गया है। तो ए नंबर ऑप्शन है नेहरू जी, बी नंबर ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी नंबर ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी नंबर ऑप्शन है सरदार पटेल। तो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, और इस प्रकार से ऑप्शन बी सही होगा, महात्मा गांधी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइंड इज अ रेस्टलेस डॉट डॉट, रेस्टलेस यानी दिमाग जो हमारी दिमाग हमारा दिमाग जो है वह एक रेस्टलेस, रेस्टलेस मीन्स बेचैन डॉट डॉट, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी हमारा दिमाग जो है एक बेचैन है। बेचैन क्या है कि द मोर इट गेट्स, जिसको जितना अधिक मिलता है हमारे दिमाग को, द मोर इट वांट्स उतना अधिक चाहता है। तो हमारे दिमाग का तुलना इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में किस चीज़ से किया गया है, बर्ड से, डॉग से, काव से या मंकी से। तो हम लोग कहेंगे द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमारा दिमाग जो है एक रेस्टलेस बर्ड है, आराम विहीन पक्षी है। द मोर इट गिव्स द मोर इट वांट्स, यानी हमारे दिमाग को जितना अधिक सुख सुविधा दिया जाता है उतना अधिक यह और चाहता है। आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग जो हैं, लर्न देयर लेसन, लर्न देयर लेसन मीन्स अपना जीवन जीने का पाठ सीखा है, फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द डॉट डॉट, कि कहाँ के लोगों के राइटिंग से, कहाँ के लोगों के रहन सहन से, कहाँ के लोगों के लेखन कला से यूरोप के लोग जीवन जीने का कला सीखा है। तो ए नंबर ऑप्शन है जर्मनी, बी नंबर ब्रिटेन, सी नंबर है ग्रीक और रोम, डी नंबर ऑप्शन है स्पेन। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ सी, ग्रीक और रोम के लोगों से इन्होंने सीखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, प्लेन लिविंग यानी सदा जीवन और उच्च विचार जो है इज द मोटो ऑफ, किसका उद्देश्य था। ए नंबर है वेस्टर्न फिलोसफर, बी नंबर ईस्टर्न फिलोसफर, सी नंबर नॉर्थ फिलोसफर, डी नंबर नन ऑफ दीज। यानी प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है यह वेस्टर्न फिलोसफर का सोच था, यानी पश्चिमी देश के दार्शनिकों का ऐसा कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, सेक्रीफाइस जो है त्याग जो है कौन सा हमारा मूल भावना है। फिलोसफर, ए नंबर है फिलोसफर, बी नंबर फार्मर, सी नंबर रिसीज, डी नंबर साइंटिस्ट। यानी सेक्रीफाइस यानी त्याग का भावना जो है किसके आत्मा में बसा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी रिसीज, हमारे यहाँ के ऋषि साधु संत जो थे उसमें, साधु संत जो हमारे थे उसके अंदर जो है, देखिए ऋषि यानी सी नंबर होगा, साधु जो हमारे थे उसके अंदर सेक्रीफाइस यानी त्याग की भावना थी।
अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 है, डॉट डॉट इज डेड अगेंस्ट, डेड अगेंस्ट मीन्स कट्टर विरोधी, कौन कट्टर विरोधी थे? ब्लाइंड इमिटेशन, ब्लाइंड इमिटेशन मीन्स नकल करने का, यानी आँख मूंद के नकल करने का ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता का जो दुनिया नकल करता था आँख मूंद के, उसके कौन विरोधी थे? ए नंबर ऑप्शन है नेहरू जी, बी नंबर गांधी जी, सी नंबर पटेल, डी नंबर अम्बेडकर। यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा, गांधी जी डेड अगेंस्ट थे, कट्टर विरोधी थे पश्चिमी देश के सभ्यता का नकल करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 है, डॉट डॉट वेर सेटिस्फाइड, कौन संतुष्ट थे विथ अ स्मॉल विलेजेज, स्मॉल विलेजेज में छोटे छोटे गांवों से कौन संतुष्ट थे? तो ए नंबर है आवर एंसेस्टर्स, बी नंबर नंबर है जर्मन्स, सी नंबर है रोमन्स, डी नंबर है इटालियंस। तो डॉट डॉट वेर सेटिस्फाइड, कौन संतुष्ट थे विथ अ स्मॉल विलेजेज, छोटे छोटे गाँव से, तो 16 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी आवर एंसेस्टर्स, आवर एंसेस्टर्स वेर सेटिस्फाइड, हमारे पूर्वज जो थे वे सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे विथ अ स्मॉल विलेजेज, छोटे छोटे गाँव से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 है, डॉट डॉट हैज 17 क्वेश्चन हैज सिविलाइजेशन टाउट अस, क्या सभ्यता ने हमें सिखाया है टू बी मोर अधिक डॉट डॉट टुवर्ड्स वन अनदर, क्या एक दूसरे से अधिक मिलकर रहने के लिए हमारे सभ्यता ने सिखाया है, द हैज सिविलाइजेशन, क्या सभ्यता ने टाउट अस हमें सिखाया है टू बी मोर डॉट डॉट टुवर्ड्स वन अनदर, तो क्या होगा? तो 17 का ऑप्शन नंबर डी होगा, मोर फ्रेंडली, क्या सभ्यता ने हमें अधिक मित्रवत रहने के लिए सिखाया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 है, आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड, हमारे पूर्वज जो थे वो इंजॉय करते थे, आनंद लेते थे डॉट डॉट रूल, तो किस रूल का, किस नियम कानून का आनंद लेते थे? तो ए नंबर है नाइस, बी नंबर सोसाइटी, सी नंबर होम, डी नंबर है नेशन। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही होगा, तो हमारे एंसेस्टर्स जो थे, आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड ट्रू होम रूल, यानी होम रूल, अपने घर के नियम कानून का आनंद लेते थे हमारे पूर्वज। कहने का मतलब हुआ कि घर में जो भी झगड़ा इत्यादि होता था तो हमारे पूर्वज अपने आपस में 10 आदमी 5 आदमी बैठकर उसको फरिया लेते थे, कोर्ट नहीं जाते थे, इसीलिए कहा गया है कि आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड ट्रू होम रूल, यानी हमारे पूर्वजों ने अपने घर के नियमों कानून का ध्यान रखा, के अनुसार चला। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 है, वेल्थ एंड लग्जरीज, वेल्थ एंड लग्जरीज मीन्स वाक, वेल्थ मीन्स धन और लग्जरीज मीन्स सुख सुविधा जो है, डू नॉट मेक अ डॉट डॉट हैप्पी, किसको खुश नहीं रखता है, धन और सुख सुविधा किसको खुश नहीं रखता है, बर्ड को, मैन को, काउ को, डॉग को? तो वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ मैन हैप्पी, यानी गांधी जी कहते हैं कि वेल्थ है, वेल्थ में धन और लग्जरी सुख सुविधा की कितनी भी चीज़ हो जाए, या मैन को, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, आदमी को खुश नहीं रख सकता है, क्योंकि कितना भी उसको सुख सुविधा का वस्तु हो जाए फिर आगे वह और चाहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 है, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, गांधी जी चंपारण कब गए? ए नंबर ऑप्शन है 1915, बी नंबर 1916, सी नंबर 1917, डी नंबर ऑप्शन है 1918। यानी गांधी जी चंपारण 1917 ईस्वी में गए, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड, यूरोप के लोग प्रेरित थे बाय डॉट डॉट, किससे प्रेरित थे, एंड रोमन राइटर्स, कहाँ के लोगों से और रोमन के लेखक से यूरोप के लोग प्रभावित थे? तो ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटिश, बी है ग्रीक, सी है जर्मन, डी है इंडियन। तो आप लोग जानते हैं कि द इंडियन, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय द ग्रीक और रोम, यानी ग्रीक और रोम के लोगों से इंस्पायर्ड थे। दोस्तों 21 का बी ऑप्शन होगा। अब देखिए 22, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, द इन्वेंशन, इन्वेंशन मीन्स खोज ऑफ डॉट डॉट प्रूव्ड ए माइल स्टोन, किसका खोज जो है माइल स्टोन साबित हुआ, यानी माइल स्टोन मीन्स हुआ कि मील का पत्थर साबित हुआ इन आवर डेवलपमेंट, हमारे विकास में। तो ए नंबर है फायर, बी नंबर है एग्रीकल्चर, सी नंबर है कारपेंट्री, डी नंबर है नन ऑफ दीज। तो आप जानते हैं द इन्वेंशन ऑफ फायर जो है प्रूव्ड ए माइल स्टोन इन आवर डेवलपमेंट, हमारे विकास में मील की का पत्थर साबित हुआ था आग की का खोज।
तो 22 का ए नंबर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, ही रोट यानी गांधी जी लिखते थे डिफरेंट आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल लेख लिखते थे फॉर किसके लिए। ए नंबर है हिंदू के लिए, बी नंबर द टाइम्स ऑफ इंडिया, सी नंबर है द ब्लाजित, डी नंबर है यंग इंडिया। तो गांधी जी किन के लिए बहुत सारा लेख लिखते थे, जो 23 का आपका होगा यंग इंडिया यानी ऑप्शन डी, डी नंबर यानी यंग इंडिया के लिए गांधी जी ढेर सारा लेख लिखते थे, तो यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 है, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट, सिविलाइजेशन जो सभ्यता जो वो हमें दिखाता है, क्या दिखाता है आउट टू मैन, आदमी को क्या दिखाता है। ए नंबर हाउ टू मेक मनी, पैसा कैसे बनाया जाए, रुपया कैसे कमाया जाए। बी नंबर हाउ टू विन द एनिमी, शत्रु को कैसे पर कैसे विजय पाया जाए। सी नंबर द पाथ ऑफ ड्यूटी यानी कर्तव्य का राह। डी नंबर द वे ऑफ लिविंग यानी जीवन जीने का कला। तो अपना सब जानते हैं सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, सिविलाइजेशन जो सभ्यता जो है हमें मानव को पाथ ऑफ ड्यूटी दिखाता है, कर्तव्य का राह दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 है, टू ऑब्जर्व मोरलिटी नैतिकता को गौर करते हुए, इज टू अटेन मास्टरी ओवर यानी किस पर हम लोग मास्टरी प्राप्त करते हैं, किस पर महारत हासिल करना चाहते हैं मोरलिटी को ग्रहण करके, नैतिकता को ग्रहण करके। तो ए नंबर है इकोनॉमिक ग्रोथ, बी नंबर है पॉलिटिकल एबिलिटी, सी नंबर है माइंड्स एंड पैशन, डी नंबर है आर्ट। तो हम लोग जो है अपने माइंड्स और पैशन पर यानी सी नंबर हो जाएगा 25 का, माइंड्स एंड पैशन पर अपने दिमाग और अपने कार्य करने के तरीका पर हम लोग नैतिकता के माध्यम से पकड़ पाते हैं, पकड़ में अपने पकड़ में इसको दिमाग सबको रख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 है, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, दिमाग एक बेचैन पक्षी है, दिमाग एक बेचैन पक्षी है, विच रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमाइंड्स जो हमेशा हमें याद कराता है क्या, तो विच ऑलवेज रिमेन्स जो हमेशा रहता है, दिमाग एक ऐसा बेचैन पक्षी है जो हमेशा रहता है। ए नंबर है हंगरी, बी नंबर अनसेटिस्फाइड, सी नंबर थर्स्टी, डी नंबर सिक, यानी दिमाग एक बेचैन पक्षी है जो हमेशा अनसेटिस्फाइड रहता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपना सब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, हैप्पीनेस इज लार्जली, हैप्पीनेस जो है मानव जो खुश होता है, मानव जो खुश रहता है वह क्या है उसका, मानव जो खुश रहता है वह जो है उसके वह धन संपत्ति से खुश नहीं रह सकता है। तो क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन है मेंटल कंडीशन, बी नंबर फिजिकल कंडीशन, सी नंबर डिजीज, डी नंबर इमेजिनेशन। तो हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन हो जाएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। 28 है, महात्मा गांधी वाज मोर, महात्मा गांधी अधिक थे क्या, ए नंबर पॉलिटिशियन, बी नंबर इकोनॉमिक, सी नंबर सोशल रिफॉर्मर, डी नंबर स्पिरिचुअल लीडर। तो 28 का होगा, 28 का महात्मा गांधी वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, इससे पहले भी अपना सब यह क्वेश्चन देख चुके हैं, महात्मा गांधी वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर, गांधी जी राजनीतिक से अधिक स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 है, ही यूज्ड एज द चीफ वेपन्स, ही यूज्ड एज द चीफ वेपन्स, गांधी जी मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग करते थे किसका, शॉर्ट्स तलवार का, न्यूक्लियर वेपन का, गन्स का, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का। तो गांधी जी का ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आप जानते हैं मुख्य हथियार था, चीफ वेपन्स था। तो 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा, तो गांधी जी का मुख्य हथियार ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस था। आवर एंसेस्टर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 है, आवर एंसेस्टर्स डिसुएडेड अस, हमारे पूर्वजों ने हमें मना किया फ्रॉम किस से। तो हमारे ए नंबर ऑप्शन है पॉलिटिक्स, बी नंबर ऑप्शन है मोरलिटी, सी नंबर है लग्जरी और डी लग्जरी एंड प्लेजर, डी नंबर ऑप्शन है स्पिरिचुअलिटी। तो चलिए
आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर, हमारे पूर्वजों ने हमें सुख विलासिता से दूर रखने का प्रयास किया। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, पीपल इन एंशियंट डेज, प्राचीन समय में लोग जो थे वेर सेटिस्फाइड, वे संतुष्ट थे विथ डॉट डॉट, किनसे संतुष्ट थे प्राचीन समय के लोग? ए नंबर ऑप्शन टाउन से, बी नंबर सिटीज से, सी मेगा सिटीज से, डी विलेजेज से। तो प्राचीन समय के लोग जो हैं विलेजेज से, यानी छोटे छोटे गाँव से ही संतुष्ट थे। 31 का होगा डी नंबर ऑप्शन। 32 अब देखिए, आवर फोर फादर saw that, हमारे पूर्वजों ने देखा कि किंग्स एंड देयर swords, राजा और उनके तलवार जो थे, वेर inferior, वह भी छोटा पड़ जाता है, टू द किसके सामने में? ए नंबर टू द swords ऑफ एथिक्स, एथिक्स यानी नैतिक शास्त्र, शास्त्री के तलवार के सामने, द swords ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीतिक शास्त्र के तलवार के सामने, राजनीतिज्ञों के सामने, द swords ऑफ इकोनॉमिक्स कहिए कि अर्थशास्त्रियों के सामने, द swords ऑफ ट्रिचरी, ट्रिचरी एक तरह से शिक्षाविदों के सामने। तो आप जानते हैं कि आवर फोर फादर saw that, हमारे पूर्वजों ने देखा कि saw that किंग्स और उनके तलवार जो, वह भी इन्फीरियर हो जाता है, छोटा पड़ जाता है, द swords ऑफ एथिक्स यानी नैतिक शास्त्र के तलवार के सामने, नैतिक शास्त्र के सामने। इन एंशियंट डेज, प्राचीन समय में, द कॉमन पीपल, सर्वसाधारण लोग फॉलोड, निभाते थे क्या? ए नंबर बिजनेस, बी नंबर एग्रीकल्चर, सी इंडस्ट्री, डी पॉलिटिक्स। तो इन एंशियंट डेज, प्राचीन समय में, द कॉमन पीपल फॉलोड एग्रीकल्चर यानी सर्वसाधारण लोग खेती का काम करते थे। 34 है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, मॉडर्न आधुनिक सभ्यता में किस चीज़ का पूजा किया जाता है? तो मटेरियल चीज़ का, मटेरियल गेंस का, एथिक्स का, ब्रदरहुड का, इक्वलिटी का। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, मॉडर्न सिविलाइजेशन में, आधुनिक सभ्यता में हम लोग मटेरियल गेंस का यानी आधुनिक सुख सुविधा वाले चीज़ों का हम लोग पूजा करते हैं। तो 34 का यानी 34 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बिन रिटन बाय, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किन के द्वारा लिखा गया है? ए नंबर ऑप्शन है पंडित नेहरू, बी नंबर महात्मा गांधी, सी नंबर हुसैन, डॉक्टर डी नंबर नन ऑफ दीज। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आप जानते हैं, एम गांधी यानी बी नंबर ऑप्शन, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, इन एंशियंट डेज, प्राचीन समय में, द कॉमन पीपल, सर्वसाधारण लोग इंजॉयड, आनंद लेते थे, ए कोर्ट्स लाइफ रूल, स्लेवरी, ट्रू होम रूल, फॉरेन रूल। तो इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल इंजॉयड ट्रू होम रूल, इससे पहले भी मैंने बताया था, ट्रू होम रूल यानी अपने घर के नियम कानून का आनंद लेते थे। ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता की जो टेंडेंसी थी, प्रवृत्ति थी, इज टू एलिवेट या प्रचार करता था भारत सभ्यता, ए नंबर इमोरेलिटी का, बी नंबर पार्टियलिटी का, सी नंबर मोरल बीइंग का, डी नंबर डिजोनेस्टी का। डिजोनेस्टी मीन्स बेईमानी का, इमोरेलिटी अनैतिकता का, मोरल बीइंग नैतिकता का। यानी द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट मोरल बीइंग, यानी सी नंबर हो जाएगा, भारत की सभ्यता जो है मोरलिटी का प्रचार करता था, नैतिकता का प्रचार करता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, इंडियन सिविलाइजेशन इज, भारतीय सभ्यता कैसी थी? ए नंबर गॉडलेस, ईश्वर के बिना, बी बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, ईश्वर में विश्वास करता था, सी बेस्ड ऑन पार्टिलिटी, किसी खास व्यक्ति में विश्वास करता था, डी बेस्ड ऑन मैटर, मैटर यानी मटेरियल कह सकते हैं, यानी भौतिक सुख सुविधा चीज पर। तो इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, बी नंबर ऑप्शन होगा। आप जानते हैं कि भारत के लोग गॉड में, ईश्वर में विश्वास करते थे। थैंक्स।